तीनों के कार्ड यहाँ पे निकलवा लें, काम कर चले, इससे अच्छा घर बना ले। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यार आज जो है ना मैं बहुत लेट उठी हूँ, 5 बजे मैं उठ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसे जाके नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। सो लेट्स गो। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग मम्मी। चलो भाई, आज तो किचन में जो है वो हमें ज़ैनब औरत दिख रही है। मैं बना रही हूँ स्मूदी। भाई ये इसने कोई स्मूदी का सामान अंदर सारा कुछ डाल लिया है, और ये ब्रेड रखी हुई है, और ये अपना अंडा बना के रखा हुआ है। तुम बकरी आज मिनी मॉम बनी हुई हो। मेरा दिल कर रहा था हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाने का। मुझे नहीं लगता ज़ैनब इसका टेस्ट अच्छा होगा। तुमने बनाना के साथ अंदर खीरे भी डाले हैं? मैंने डाले बनाना, क्यूकम्बर, ग्रीन एप्पल, साथ थोड़ी सी दही, दूध। लाभ 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 लाभ। ये गंदा सा एक सूदा बना रही है, पता नहीं कामयाब होता भी है कि नहीं। करवाओ टेस्ट। खीरा अंदर अच्छा नहीं लग रहा ज़ैनब, मिल्क शेक में खीरा। तो मैंने पिंटरेस्ट से देखा था। इस तरह तुम इतने टिकटॉक में वीडियोस आ रही थी, वो कॉकरोचेस को लेके उसको मिल्क शेक बना रहे होते हैं, फिर वो चूहों को खा रहे होते हैं। वो हेल्दी नहीं होता, मैंने AI से भी पूछा था। वो उनके अकॉर्डिंग ही वो हेल्दी होता है, तो तू वो भी बनाना स्टार्ट कर देगी तो चूहे खाना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो मामा को टेस्ट करवा लेते, फिर देखते कितने मार्क्स आते हैं। मामा जरा ज़ैनब का बनाया हुआ ये स्मूदा चेक करें। मैंने बीमार नहीं होना, खीरा डाल के ले। वैसे डालते हैं दूध में खीरा? पता नहीं, पी के देखे। भाई मैं तो नहीं पी रही, मुझे तो ये लग रहा है दही है, दही का जो रायता नहीं होता जिसमें पुदीना शुदीना डालते हैं, ये वो लग रहा है। जरा इधर आओ, तुम्हारे तो मैं कान खींचती हूँ। आज इसके स्कूल से फोन आया कि ये स्कूल नहीं आई, और इसका इतना काम पेंडिंग है। ये पता है क्या करती है मामा, जब इसका होमवर्क का बर्डन ज्यादा हो जाता है ना, स्कूल से छुट्टा मार लेते। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मा से जाके पूछो। हाँ ये तबीयत खराब है, ये तबीयत खराब है। तबीयत खराब में ये नहीं, और तुम्हें कहूँ मैं। तो कहा था कि ज़ैनब की तबीयत नहीं ठीक है, उसका गला रात को मैंने उसको फिर दवाई दी, दर्द कर रहा था, मैंने कहा चलो आज छुट्टी करो, जाने तो जाने पढ़ाई भी कर लाऊंगी। बेचारी स्वीट देसी मॉम्स ऐसे ही करती है, बच्चों के ना लालच में आती है, बच्चे कहते हैं मामा पेट में हार्ट अटैक आया हुआ है। तूने भी आज अम्मा को यही कहा है, मामा मेरे गले में हार्ट अटैक आया हुआ है। तू अपने जैसा हर किसी को समझती है बहाने खोर। मैंने तो बचपन में बहुत बहाने मार मार के, बहुत ज्यादा शरारते कर करके छुट्टी की हुई है, मेरी तो कहानियां ना ही खोलो तो बेहतर है। आत्मा 2 दिन से मैं बीमार थी, हुई पड़ी थी, बोझल बोझल। मैं थोड़ा सा बोझल बोझल नया वर्ड आज मुझे सीखने को मिला, बोझल बोझल। घूमने को दिल कर रहा है, मैंने कहा भाई चलते हैं। रोज बच्चे जिद कर देने बाहर जाना बाहर जाना, आज अम्मी जिद कर दी भी बाहर जाना, मैं कर रहा है कि बोर हो। हाँ वैसे यार हमारी क्यूट मॉम्स घर ही रहती है सारा दिन, किचन दे काम कर लो, मशीन दे काम कर लो, काम कर लो, काम कर लो। आज मामा मैं आप और हेरा बाहर खाने चलते हैं। डन, वेरी गुड, वेरी गुड। तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। हो रही क्योंकि मैंने सुन लिया आप लोगों को परेजी खाना, मैंने खिचड़ी बना दी है, कर रहा है कि वो खाना। उस दिन थोड़ी तो सतेली माँ ने तुम्हें खिचड़ी बना के खुवाई सी, आज तुसी बाहर के खाने खाना चाहती है, आज घर बहुत चुप करके। आज तू स्कूलों छुट्टी क्यों की है मेरे काके? तू क्या सी कि मैं बीमार हूं? हम तो एकदम बिल्कुल तीर वांगू सीधी होके इतने खलो गई है। बाहर जाना है यार, ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे तुम लोग हम दोनों को अबेंडन कर रहे हो। यार रेडी हो गई, आ गई, मुझे भी लेके जाओ। आज मैंने यूनिवर्सिटी में शवारमा भी खाया है, और अब मैं और चीजें भी खा सकती हूँ, मम्मा ने परमिशन दे दी। बस अब और नहीं, गंद खाना बाजार का। कोई बात नहीं, मम्मा सब जा रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ, इसमें क्या हो गया, मेरे भी क्या है। रोज बीमार मैं पूछ पूछ के इनको खुद भी मार हूँ। दोनों ने बैग ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी मीटिंग पे जा रही है। परमिशन दी जाए ना, वो अपनी माँ खुद ही बनी हुई है। रियल लाइफ मॉम ये वाली मम्मा, और तुम रियल लाइफ मॉम। अच्छा यार ये तो घर के हमारे दो छोटे बच्चे हैं ना, हर काम में बीमार भी है, दोनों इकट्ठे होते हैं, इनको दांतों पे ब्रेसेस भी इकट्ठे लगे हैं। दाने बच्चे ऐसे करो, करो बस। तहिरा को भी बुला लो, फटाफट से चलते हैं, ज्यादा कुछ मजे का खाकर आते हैं। आज जो है ना हम फिर से गर्ल्स डिनर करने लगे, जल्दी से अपने पैर नीचे धरो और आओ हम खाना खाने चलते हैं, जल्दी आ जा। इनके लिए ना उधर जाकर खिचड़ी ऑर्डर करूंगी। होटल से कोई खिचड़ी नहीं मिलती, मिलती है खिचड़ी नहीं, वाइट चावल क्या लेके आओ सबको, फ्लाइंग चप्पल। मम्मी है जिन्होंने घर पे खाना नहीं बनाया, बच्चों को बाहर से खिलाने लेके जा रही है। घूमना फिरना चाहिए, बंदा फ्रेश हो जाए। यार घूमना फिरना तो आपको वैसे भी चाहिए, इंसान को तरोताजा हवा मिलती रहती है। ज़ैनब के बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं। सही है ज़ैनब, वही लग रहे हैं, बस यहाँ से लंबे हैं, वैसे वही है। अबे बस करो, किसी की गाड़ी में झांकना ऐसे बंद करो, बुरी कभी कोई सुंदर चीज देखी नहीं है। आ जाओ सब बाहर, मामा के लिए दरवाजा खोलते हैं। मामा इसलिए नहीं निकले कि मैं दरवाजा खोलूंगी, इसलिए नहीं निकल रही। चादर साथ रख लूं, ठंड हो सकती है कि नहीं। वैसे फिलहाल इतनी ठंड नहीं पड़ रही। ये ले मैम मेन्यू, ज़ैनब और राबिया ये ले मैम मेन्यू। ये ले मैम, लग रही है ना कि तुम्हें बता नहीं। मामा पूछ रही है क्या हम ये खाना खा सकते हैं, किसी ने पिक्चर तो नहीं लेनी? खा सकते हैं। पहले फोटो बाद में खा लो, खा लो कि आपको लग से इन्विटेशन आएगा खाने। ये ना मैंने रिंग ली, ठीक है,
मेरे भाई को बोला काली तो नहीं होती आगे से, इतना ऑनेस्ट उन्होंने आंसर दिया, कहते सही बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, एक महीने बाद काली हो जाएगी। आगे से कहता आजकल 150 में आता क्या? वैसे 150 में ठीक आई है, दिखाओ अपनी इयररिंग। यार मेरी बहनों ने आजकल पैसों पे फुल नजर रखी हुई है, 100 रुपए में कितने इयररिंग्स आ सकते हैं, 150 रुपए में कौन से रिंग आ सकती है, आजकल ये लोग शूम बनी हुई, मतलब कंजूस ना, मजे का गर्मा गर्म सूप, ये खाना खाते हुए स्नैप बनाने का क्या लॉजिक है? मैंने तो खाने के लोगों को स्नैप बनाते देखा। ये मामा का जो है वो सैलेड आ गया। यार ये देसी मॉम्स होती है ना, जब हमको बाहर लेकर आते हैं ना, वो हमेशा ये कहती है ऐसा तो चंगा खाना था मैं घर से बना लेती हूँ। ये मेरा हनी मस्टर्ड क्रिस्पी चिकन आ गया। ज़ैनब का ऑर्डर देखो, एज यूजुअल फ्राइज, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। फ्राइज लव है, ये भी मैं घर बना लेती हूँ। हाँ यार फाइनली हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, अब जो है ना वो मेन पार्ट है विच इज बिल देने का। ठीक है, मैंने एक इनके साथ छोटी सी गेम खेली है। बिल तुम पे करोगी? मुझे खाना खाने से पहले बताया फिर बिल मैंने देना है, मैंने नहीं देना भाई। हिरा देगी बिल, तुम लेके आई हो तुम्हारी ट्रीट है ये। सब मैं दे देती हूं, छोटी सी गेम खेलते हैं, मम्मा ने जूता निकाल के कहना मैं दे देती हूं तो इंडेक्स रैंक कभी लेके आ गई तो फिर कहना। हम वो वाला करते हैं, कार्ड वाला करते हैं, सब अपने अपने कार्ड निकालो, वो जो बिल वाला होगा ना वो जिसका कार्ड एक्सेप्ट करेगा वो बिल पे करेगा। तो ये हमने तीनों के कार्ड यहाँ पे निकलवा लिए हैं, गोल्डन वाला राबिया का है, सिल्वर वाला हिरा का है और ब्लैक वाला जो है वो मेरा कार्ड है। इंशाल्लाह सब है ये इम्तिहान, तीन कार्ड रख दिए, वो कार्ड सिलेक्ट करेंगे बिल। आंखें बंद कर लो सब अपने, हम क्यों करें भाई? इतनी खुशी मुझे जिंदगी में आज तक नहीं हुई है। मुझे खाने के बाद चाय तो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो अभी हमें लग रहा है 10 बजे हर चीज क्लोज हो जाती है, बट अब हम इनसे मिनता तरले करते हैं, अंकल प्लीज चाय खोल दें। इन्होंने किसी ना किसी तरह कह के चाय का अड्डा खुलवाया, थैंक यू भाई। इतने मोजे से वो देखो मटकों को गर्म कर रहे हैं फिर उसके अंदर चाय ऐड करें। यार ये चाय लवर से नीचे जरा कॉमेंट करो ना कि किस किस को चाय पसंद है। गर्मा गर्म जो है वो चाय रेडी हो चुकी है, खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पे मैं इस गली में ले आई हूँ जो कि गली मेरी बहुत फेवरेट है यार। यहाँ पे मुझे बहुत मजा आता है रात के टाइम वॉक करने का, आज आज ही गई हूँ तो मैंने मामा काम बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, अगर दोबारा लग गया ना तो तुझे नहीं मैं छोड़ के चली जाएगी। फिर जो है राबिया और ज़ैनब की रेस लगेगी। ठीक है, मामा डॉल बनी हुई है, डॉल मार्केट में सेल लगी है, सबसे पागल कौन है? पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर। तुम दोनों की बारी, चैलेंज यही करने का, एक ने नाइकी के जूते पहने दूसरा ने नाइट जूते पहने, मैं नाइट जूतों से मेरे पहनो, मेरे पहनो, मेरे पहन लो। 1-2 जीते मामा, वो देखो स्क्विड गेम की औरत बन के खड़ी हुई है कि उनके पास जाके टच कर रहे हैं। अभी नहीं रुक जाओ, पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर। कौन है? झूठ बोल रही है, मेरा हाथ मम्मा को पहले लगा है, मेरा हाथ मम्मा को पहले। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि राबिया और ज़ैनब में से कौन जीता है, आप लोगों ने तो वीडियो को ठीक से देखा होगा ना, बस कमेंट करना है। अगर मैं जोगे फैन तो मैं इससे भी तेज भागती हूं, मैं चप्पल पहनी थी राबिया और उसकी लेम ने, पकड़ो अपने जूते, इनसे मेरे से चला नहीं जा रहा, उतारो मेरे जूते। मैं कैसे भी चलती हूं, मेरी भी तो हिम्मत है। सड़क पे खड़े होकर हम जूते बदलवाए जा रहे हैं, वहां पे गाड़ियां जा रही हैं और यहां पे हमें अपने जूते बदलवाने की पड़ी हुई है, क्योंकि यार मेरे से तो वो फॉर्म टाइप जूतों में चला नहीं जा रहा था सड़क के ऊपर, जो सीधी बात है। मामा को देखना, पंछी बनू उड़ती फिरू। मामा आप सही मजे में घूम रही हो सड़क पे, ये सड़क पे किसी के ग्लासेस गिरे हुए हैं, उठाने का मत सोचना, उठाने का मत सोचना, पड़ा रहने दो ऐसे। इसके ग्लासेस है ना वो खुद ही आके ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ जाएगा और वो अपने ग्लासेस ले लेगा।
हाय 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 बाजी बड़ी ठंड पै रही सी अज ते बच्चियां नाल मैं बाहर निकल गई मैं क्या इस तो चंगा इन्हां नूं घर च खाना खवा लैंदी रुल भुल के आ गए ने सड़क च नहीं तू चांद दी तस्वीरां लैना बंद कर सामने एडा सोना चांद खलोता है ना मेरी फोटोआं लै लै दो तीन एक हमारी फैन मिली थी उन्होंने हमें ये दो पेटियां दी हैं इसमें आई थिंक सो ऑरेंजेस हैं जून जुलाई चलन दे ऐसे मैंगो आ जाएंगे पेटियां देख के मैंगो जाने आपको याद आ रहे हैं ये देखें भाई एक उन्होंने कहा था कि पेटी आप ही की है और एक आपकी है अब दो घर हो चुके हैं ना एक आप ही वाला एक हमारा तो एक उन्होंने आप ही को दी है हम लोग कल आप ही के घर उसकी उसको पेटी पकड़ाने चले जाएंगे साथ में उन्होंने मामा को एक बहुत अच्छी चीज दी है उन्होंने कहा रमजान आ रहा है इस पे मैं इबादत करूंगी ऐसे ऐसे बहुत अच्छा गिफ्ट तस्वीर पड़ेंगे हाँ ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गिफ्ट है थैंक यू सो much for this gift hi hi baji to gaddi de andar hi baithi rehna hai nikal bahar hun chal park karke cheti car aa jai chal aaj da din acche tareeke naal assi spend kar liya te hun car chalne aa te vlog edit karne ne jehda tuhanu vikhana hunda oh shit zainab wahan pe racing kar rahe the na rab hai isne mujhe apne glasses pakdaye the main to wahan footpath pe hi rakha iske glasses shit upar se main class mein piche baithi hu piche kyu baithti ho back bencher ho nahi yaar आगे बच्चे बैठ जाते हैं इसलिए और मैं लेट जाती हूँ तो इसलिए एक जैनब की ग्लासेस उस दिन हम बर्फ वाली जगह पे गए थे ना वहाँ पे खराब होगी और एक मेरे से घूम गई है तो दो ग्लासेस नहीं बनवा के दो नहीं यार मेरे साथ आओ ग्लासेस लेकर आओ जैनब अभी हम लोग वापस आए मैं तुम्हारी ग्लासेस कैसे लेकर आऊँ बस आराम से बाकी बात जो फातिमा ग्लासेस अभी मिला के फुटपाथ पर क्या पड़ी होगी अभी भी वही एकदम जड़ा तू है ना चेहरा तो हैरी पॉटर लगन दिया है सो गाइस होप सो यू लाइक द व्लॉग अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो कमेंट करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो